नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, बगैर सोचे समझे मनमाने फैसले लेना मोदी सरकार की आदत बन गई है। पहले अव्यवहारिक नोटबंदी हुई, नतीजा आम आदमी को बहुत नुकसान हुआ। फिर काले कृषि कानून बने जिसका लंबा विरोध चला, कई किसानों की जान गई। और अब चुनाव करीब आए तब जाकर मोदी सरकार ने नए कृषि कानून रद्द किए हैं। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार के सुनहरे सपने दिखाए। 30 रुपये में पेट्रोल के सपने दिखाकर पेट्रोल डीजल की सरकारी लूट पर शतक पहुंचा दिया। अब चुनाव करीब है तो 10-20 रुपए की पेट्रोल लूट कम की जा सकती है। अभी मोदी सरकार का नया हिट एंड रन कानून पास कर दिया गया है, जिसके बाद से देश भर के ड्राइवर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ड्राइवरों की चक्का जाम हड़ताल ने आम आदमी का सुख चैन छीन लिया है। यदि यही हालात लगातार रहे तो आम आदमी की जिंदगी पर सवालिया निशान लग सकते हैं। ड्राइवरों की हड़ताल के कारण अभी तो कई पेट्रोल पंप की हुई ही ड्राई हुए हैं। कानून वापस नहीं लिया गया तो जनता की जिंदगी ड्राई हो जाएगी। महंगाई पहले से ही आसमान पर है, ऐसे हालत जरूर है। चीज़ों की आपूर्ति गड़बड़ाएगी तो दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल पंप पर जनता परेशान होंगी तो ड्राइवरों को रोडवेज ट्रांसपोर्टर्स की परेशानी में डाल देगा। नए कानून के तहत फरार और घातक दुर्घटना की सूचना ना देने पर ड्राइवरों को 10 साल तक की जेल की हो सकती है। इससे पहले आईपीसी की धारा 304A लापरवाही से मौत के तहत आरोपी को केवल 2 साल तक की जेल हो सकती थी। अगली खबर, शिरोमणि अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया की नशा तस्करी केस में मुश्किलें और बढ़ने लगी हैं। 2 दिन पहले मजीठिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। वहीं अब पटियाला रेंज ने नए डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की अगुवाई में एसआईटी जांच करेगी। इस एसआईटी में पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा धूरी और धूरी के एसएसपी योगेश शर्मा भी शामिल किया गया है। 20 अगस्त 2021 को क्राइम ब्रांच ने विक्रम सिंह मजीठिया पर नशा तस्करी का केस दर्ज किया था। गौरतलब है कि एडीजीपी कुविंदर सिंह छिन्ना को पहले ही एसआईटी की कमान सौंपी गई थी, लेकिन उनके रिटायर होने के बाद अब डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को एसआईटी की कमान सौंपी गई है। छिन्ना के 8 महीने तक एसआईटी प्रमुख रहने के बाद के दौरान विक्रम सिंह मजीठिया को 11 घंटे तक पूछताछ के लिए बुलाया गया था। मजीठिया को 11 दिसंबर को समन भेजकर 18 दिसंबर को तलब किया था। इसके बाद 30 दिसंबर को मजीठिया से लगभग 4 घंटे तक पूछताछ की गई थी। बता दें कि साल 2013 में पहलवान जगदीश सिंह भोला को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पहलवान भोला ने 6,000 करोड़ रुपए की ड्रग तस्करी का केस दर्ज था। उस समय पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की सरकार थी। जगदीश सिंह भोला कोर्ट में पेश किया गया तो उसने मोहाली कोर्ट से विक्रम सिंह मजीठिया पर कई आरोप लगाए थे। प्रदेश में अकाली दल की ही सरकार होने के चलते उस समय तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन साल 2017 में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनी तो एडीजीपी हरप्रीत सिंह सिद्धू की अगुवाई में एसटीएफ बनाई गई थी, जिसने मामले में मजीठिया का नाम शामिल होने का दावा किया था। लेकिन तब तक भी उन पर कोई केस नहीं दर्ज किया गया था। साल 2022 में जब चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने तो उस दौरान मजीठिया पर केस दर्ज हुआ था। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने कहा है कि लोगों के मन में जो डर पैदा किया जा रहा है ये राजनीति है। अयोध्या में राम मंदिर जरूर बनेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी और धार्मिक स्थल पर जाकर कब्जा करेगा। शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने कुछ दिन पहले BJP पर निशाना साधा था और अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया था। सांसद राउत ने यह भी कहा कि पार्टी जल्द ही चुनाव के लिए भगवान राम को अपना उम्मीदवार घोषित कर देगी। राम मंदिर के अभिषेक समारोह में निमंत्रण पर सवालों को जवाब देते हुए शिवसेना UBT नेता ने समाचार एजेंसी से कहा कि अब केवल एक चीज़ बची है कि BJP घोषणा करेगी कि भगवान राम चुनाव के लिए उनके उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा, भगवान राम के नाम पर इतनी राजनीति हो रही है। अगली खबर, भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि इस मामले में मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, मूर्तिकार मंदिर समिति ही इस पर अंतिम फैसला लेगी। जानकारी मिली है कि मूर्ति पर मोहर तो लग गई है, लेकिन ट्रस्ट 17 जनवरी को इस बारे में भक्तों को जानकारी देगा। आपको बता दें कि इस दिन रामनगरी में नगर यात्रा निकाली जाएगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी अपने एक्स पर लिखा कि जहां राम है वहां हनुमान है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन हो गया है। हमारे देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हमारे गौरव अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई भगवान श्री राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। यह राम और हनुमान के अटूट रिश्ते को का एक और उदाहरण है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हनुमान की भूमिका कर्नाटक से रामलला के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा है। रामलला की अचल मूर्ति निर्माण के लिए नेपाल के गंडक नदी समेत कर्नाटक, राजस्थान में उड़ीसा के उच्च गुणवत्ता वाले 12 पत्थर ट्रस्ट ने मंगवाए थे। इन सभी पत्थरों को परखा गया तो राजस्थान में कर्नाटक की शिला ही मूर्ति निर्माण के लिए लायक मिली।
कर्नाटक की श्याम शिला व राजस्थान के मकराना के संगमरमर शिला को इनकी विशेष खासियतों के चलते चुना गया है। मकराना की शिला बहुत कठोर होती है और नक्काशी के लिए सर्वोत्तम होती है। इसकी चमक सदियों तक रहती है। वहीं कर्नाटक की श्याम शिला पर नक्काशी आसानी से हो जाती है। ये शिलाएं जलरोधी होती हैं, इनकी आयु काफ़ी लंबी होती है। अगली खबर, कर्नाटक सरकार में मंत्री रहे और कांग्रेस नेता एच एन जयन ने कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया की तुलना भगवान राम से कर दी है, जिसको लेकर विवाद हो गया है। कांग्रेस नेता ने राम मंदिर को लेकर भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा के लोगों को धर्म के आधार पर बांटती है। कांग्रेस नेता के इस बयान पर भाजपा नेताओं ने पलटवार किया है। भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि वह हिंदू देवी देवताओं के बारे में सोच समझ कर बात करें। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए एच एन जयन ने सीएम सिद्धरमैया को के राम मंदिर प्रतिष्ठान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या जाने के सवाल पर कहा कि सिद्धरमैया हमारे राम हैं, फिर वे क्यों प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने अयोध्या जाएंगे। वे अपने पैतृक गाँव स्थित राम मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं। अगली खबर, लोकसभा चुनाव नजदीक है। इस बीच चंडीगढ़ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा था कि विपक्षी पार्टी को पंजाब और दिल्ली के इतिहास में धकेल दिया गया है। अब कांग्रेस ने भगवंत मान को एक थरजोकर कहकर संबोधित किया है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समान विचारधाराएं हैं। कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए कहा कि आप और मोदी जी की विचार में कितने समान हैं। ये दोनों कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखते हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता उदित राज ने भी मान की आलोचना करते हुए कहा कि भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने के बाद से पंजाब में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। केवल समय ही बताएगा कि ये कांग्रेस थी या आम आदमी पार्टी। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मान ने कहा था कि पंजाब और दिल्ली में माताएं अपने बच्चों को दुनिया की सबसे छोटी कहानी एक थी कांग्रेस सुना सकती हैं। मुख्यमंत्री की ये टिप्पणी तब आई है जब उनसे राज्य कांग्रेस के नेताओं में आपसी गठबंधन को लेकर कथित अनिच्छा के बारे में पूछा गया था। इससे पहले जब इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों के बीच सीट समायोजन के मुद्दे पर बारे में पूछा गया तो मान ने कहा कि इन मुद्दों पर गठबंधन की बैठक में चर्चा की जाएगी और कहा चीज़ों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही हम बता पाएंगे। आखिरी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि भारत को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान की मुख्य नीति ही आतंकवादी रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल खेल खेलना बंद कर दिया है और पड़ोसी मुल्क की आतंकी नीति को अप्रशंसनीय बता दिया है। पाकिस्तान अक्सर ही नापाक मंसूबों के लिए सीमा पार से आतंकियों को भारत की ओर भेजता रहता है। समाचार एजेंसी ANI को दिए गए इंटरव्यू में जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से सीमा पार से आतंकियों का इस्तेमाल भारत पर बातचीत के दबाव बनाने के लिए करता रहा है। ऐसा नहीं है कि हम अपने पड़ोसी के साथ बातचीत नहीं करेंगे, मगर हम उन शर्तों के आधार पर बातचीत नहीं करेंगे जो पाकिस्तान ने रखी हैं, जिसमें बातचीत की मेज़ पर लाने के लिए आतंकवाद की प्रथा को वैध और प्रभावी माना जाता हो। That irrelevant by not playing that game. It's not a case that we'll not deal with a neighbor. After all, at the end of the day, a neighbor is a neighbor. But it is that we will not deal, on the basis of terms that they set where the practice of terrorism is deemed as legitimate. आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।